बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद AFS। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीफ की निहारी बनाने की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने बोंग का गोश्त लिया है 1 किलो। इसके साथ ही मैंने 2 नली भी ली है, जो कि बहुत ही टेस्ट आता है इससे निहारी में। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो स्पाइसेस लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। ये हस्ब जायका है, जितनी आपको टेस्ट है, जितना आप नीड है उतनी लीजिएगा। लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और ये जिंजर पाउडर लिया है, सोंठ का पाउडर है, जिंजर पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। हल्दी लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, ऑयल लिया है 1 कप भर के, 1 अदद प्याज लिया था, इसे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये निहारी मसाला है। निहारी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ 1.5 टेबल स्पून, और धनिया लिया है यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ली है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, सिया जीरा लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून, यहाँ पे लौंगे लिए हैं, यहाँ तकरीबन 8 से 10 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल लिया है मैंने, जायफल का 1 पीस लिया है, और ये 5 इलायची लिया है, ये पिपली लिया है 1 अदद, और दालचीनी के ये 3 स्टिक्स लिए हैं, और ये जो है ये देखें पिपली इस तरह का होता है, ये देखें, ठीक है। और ये जो है ये मसाला, ये निहारी मसाला है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, इसे मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी, और ये प्याज ब्राउन हो रहा है। ये प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें और ये नली में डाल दूँगी, इसे चलाऊँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसी दौरान फिर इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालूँगी। इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसे मैं यहाँ पर इस स्टेज पर इसकी भुनाई करूँगी, इसकी 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसकी 10 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी भुनाई की थी, और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, ये रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, जिंजर पाउडर, और ये नमक है, जो कि मैं थोड़ा सा भी कम कर रही हूँ, मुझे नीड होगी आखिर में तो और डालूँगी। इसे डालकर मैं इसकी थोड़ी सी 2-3 मिनट तक और इसकी भुनाई करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना पानी डालूँगी। देखिए, मसाला डाल करके भी मैंने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी, और अब मैं कुकर को आधे घंटे के लिए बंद करूँगी ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। जब तक ये गोश्त गल रहा है, ये जो मैंने आपको मसाला बताया था निहारी मसाला, इसे मैं बहुत बारीक पीस लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मसाले को मैंने बहुत बारीक पीस लिया था, इसे फिर मैंने छान भी लिया था ताकि इसे मुझे बहुत ही बारीक मसाला चाहिए था निहारी मसाला इस रेसिपी में, इसलिए मैंने इसे छान लिया था। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस मसाले को छान लीजिएगा, मोटा मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा हो। 30 मिनट हो गए हैं, अब ये देखिए मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा गल गया है, और हमें इतना ही गला हुआ गोश्त चाहिए। ये देखें, ठीक है, ये बोंग का गोश्त हमें ऐसे ही चाहिए, गला हुआ होना चाहिए निहारी में। इसे इसमें दोबारा डालते हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर तक रेस्ट दे रही हूँ ताकि इसका जितना रोगन है ये ऊपर आए। इस रोगन को फिर मैं निकालूँगी, और फिर इसे मैं इस तरी को निकाल करके इसे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने थोड़ी देर तक छोड़ दिया था, मैं इसकी तरी अलग कर लूँगी। ये देखिए, मैक्सिमम तरी मैंने इसमें से निकाल ली है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो हमने निकाल लिया है, थोड़ी बहुत तरी इसमें है। अब इसमें ये जो मसाला हमने तैयार किया था, ये मसाला इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून डालूँगी। बल्कि देखिए, घर में मसाला तैयार करने से कितनी इसमें बरकत होती है। ये मैंने 1 किलो KG का मसाला बनाया था, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला, इतना मसाला मेरा बच गया है।
अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं घर में, घर के काम में, घर की जो रेसिपीज़ होती हैं जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें। अब इसे मैं इसे डाल करके इसे थोड़ी देर कुक करूँगी। ये देखिए इस नली को मैं अब अलग कर लूँगी, ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। अब इसे बिल्कुल मैं लास्ट में डालूँगी। इसमें मसाला डाल दिया है, मसाला डाल के इसे अब मैं ढक दूँगी। इसे 10 मिनट तक इसी तरह ढकूँगी और अब मैं आटे को थोड़ा भून लेती हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताया था, आटे को भूनने के बाद इसमें डालूँगी। ये देखिए मैंने पैन को चढ़ा दिया, इसमें 6 टेबल स्पून आटा। आटे को मैंने सही से रोस्ट कर लिया था, इसका कलर तो नहीं चेंज होगा लेकिन इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें। अब मैं इसमें इसे डाल करके इस पानी में और इसका एक अच्छा सा बना लूँगी। पानी मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास लिया था और ये 6 टेबल स्पून इसमें है। एक सोलूशन बना लूँगी और इसे मैं अब ये निहारी है उसमें डालूँगी। ये देखिए इसे मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसे मैं छान करके निहारी में शामिल करूँगी। ये देखिए कि स्ट्रेनर रखेंगे और इसके ऊपर से हम इसे ये डालेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत भी इसमें गुठलियाँ बनी हुई होंगी, जो लम्स होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे। मैं भी सारा नहीं डाली हूँ, थोड़ा डाली हूँ और इसे डाल करके चलाऊँगी, फिर मैं और डालूँगी। जितनी आपको चाहिए होगी थिकनेस उतनी रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और डालूंगी इसमें, बस मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए इसलिए मैं और नहीं डाल रही हूँ। हमें इसे 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में इसे रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये निहारी तैयार है। अब मुझे इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये मज़ेदार बीफ निहारी तैयार है और इसके ऊपर मैंने ये तरी भी डाल दी थी जो मैंने अलग करके रखी थी और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।